खातेगांव कृषि उपज मंडी में आज से किसानों की उपज की नीलामी फिर से शुरू हो गई है। हमाल और तुलावटियों व्यापारियों के बीच पारिश्रमिक को लेकर विवाद चल रहा था, जिस कारण सबसे ज्यादा समस्या का सामना किसानों को करना पड़ रहा था। खातेगांव मंडी में पिछले दिनों हमाल तुलावटी अपनी पारिश्रमिक दरों में वृद्धि को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, जिससे उपज की खरीदी पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन आज से फिर नीलामी कार्य शुरू हो गया है। विधायक आशीष शर्मा, मंडी भार साधक अधिकारी और खातेगांव SDM प्रिया चंद्रावत के प्रयासों से व्यापारियों और हमाल तुलावटी संघ में दरों को लेकर सहमति बन गई है। मंडी समिति ने इसकी आधिकारिक सूचना देते हुए किसानों से मंडी में कृषि उपज लाने की अपील की है। गतरोध तो हमाल और व्यापारियों के बीच में था। हमाल 3 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पाला कराना मांग रहे थे और व्यापारी उसको 2 रुपए तैयार थे, मगर आज व्यापार मंडल ने अपनी वही बिक्री फिर पुनः चालू की। उनको बताया कि देखिए किसान इसमें अभी निर्णय ले लो, अब बाद में इस पर विचार करेंगे। तो शायद हमाल और तुलावटी संघ ने किसान हित को देखते हुए मंडी को सुचारू रूप करने से लिए पुरानी दर जो 1.10 रुपए बढ़ाई थी उस पर 2 रुपए के हिसाब से ही राजी हुए हैं। कि सबसे पहले तो हमारी जो मांग 3 रुपए की जो रखी गई थी उसमें अभी तक उसकी मांग पूरी नहीं की, परंतु हमने किसान की जो परेशानी देखते हुए, बारिश का मौसम, बीज ले जाना, इन सभी को देखते हुए हमने हमारी हड़ताल को वापस ले ली है। इसलिए ले ली है कि क्या नाम से हमारा कृषक के हम हित में काम करते हैं, कृषक के ही साथ रहेंगे। ठीक है, आज हमारी मांग 2 रुपए तक उनने मंजूर की है, व्यापारियों ने हमारे साथ बैठ के बैठक में उनने मंजूर की है। अब आगे हम उसकी ओर लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल किसान के हित में ही हमने ये सब निर्णय लेकर हमारी हड़ताल वापस ले ली है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।